हेलो दोस्तों, मैं प्रीति अपने यूट्यूब चैनल प्रीति सिंह और सीखो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज आपके लिए 1 साल की बेटी के लिए हम धोती सलवार बनाना बताएंगे और सिर्फ 80 सेंटीमीटर में ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था। जैसे कि अगर आप स्टिचिंग करते हैं या सूट बनाते हैं, अगर उसमें से आपका कपड़ा बचता है तो आप अपने बच्चे के लिए इजिली धोती सलवार बना सकते हैं। इसकी लंबाई देखिए, इस तरह से 17 इंच है और चौड़ाई में भी 17 इंच है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है फ्रेंड, वो एकदम सेम होती है। इसमें कम या ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको परफेक्ट धोती बनानी है तो आप ये चीज़ ध्यान देना। देखिए, हमने इसकी लंबाई, अभी मैंने वो ओपन कपड़ा रखा है और अब हम इस कपड़े को डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम इसकी जो 17 इंच की लंबाई, अब डबल कपड़े में भी हम 17 इंच की लंबाई रखेंगे और इसकी चौड़ाई भी हम 17 इंच रखेंगे, तो लंबाई चौड़ाई सेम होगी फ्रेंड। और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ 17 इंच है, अब 20 से इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा 80 सेंटीमीटर कपड़ा है जिसमें से हम आपको धोती सलवार और बेल्ट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1 साल की बेटी के लिए आप बनाते हैं, अगर बच्चा हेल्थी है तो थोड़े से कपड़े, अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़े से कपड़े ले सकते हैं। इस तरह से आप एक फिंगर को रखते हुए इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिएगा। ये देखिए, आपका पूरा शेप में बन गया और इस तरह से इजिली ये फोल्ड हो गया। धोती सलवार काटना बहुत ज़्यादा, ये देखिए हमारे आगे जो है वो बन साइड है और बाकी जो साइड में है वो दोनों साइड ओपन साइड है। तो इस तरह से आप लंबाई देख सकते हैं। देखिए, इसकी लंबाई जो है वो भी 17 इंच की है। आपको लंबाई जितनी भी लेनी है, आप कपड़े की लेंथ उस हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसे यहाँ आपको नेफे की साइज़ बताएंगे। नेफे की साइज़ है वो 5 इंच है। 5 इंच करके यहाँ हम 1.5 इंच इसकी गुलाई देंगे। अगर आपका बच्चा मोटा है तो आप 2 से 2.5 इंच तक गुलाई दे सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो आप इतना ही देना। और इस तरह से नीचे अब हम मोहड़ी या इसका पोचा, जो भी आपका कोचा, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहते हैं, इसकी जो कट होगा वो 4 इंच पर होगा। हम मोहड़ी का जो कोचा बनाएंगे वो 4 इंच पर बनाएंगे। और इस तरह से 1 इंच यहाँ हम कट मारेंगे, 1 से 1.5 इंच, क्योंकि वहाँ हम प्लेट डालेंगे। तो ये हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। तो बहुत लोगों को कटिंग हमारी नहीं समझ में आई, बहुत लोगों को स्टिचिंग नहीं समझ में आई, तो आप बताइएगा। पहले हमने आपके साथ कटिंग शेयर की हो, आपको कटिंग हमारी कितनी अच्छी लगी है और कितना समझ में आया है। इसके बाद इसके पार्ट टू में हमने आपको स्टिचिंग समझाएंगे। एक एक चीज़ हम आपको बहुत ही डिटेल और बहुत ही डीप में समझाएंगे, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह से आप हम बेल्ट निकालेंगे, आप अपने बच्चे को कर देंगे। ये देखिए, ओपन कपड़ा है, 22 इंच है, इसका हाफ होगा 11.5 इंच, 11 का डबल करोगे 22 इंच होगा। तो इस तरह से हम 7 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। तो इस तरह 7 इंच पे हम एक निशान कर देंगे और इस प्रकार से ये बेल्ट भी हमारा तैयार हो गया फ्रेंड। तो इस तरह से धोती की कटिंग करना बहुत ही ईजी है, चाहे आप बड़ी साइज में बनाएं चाहे छोटी साइज में बनाएं। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग अपने कपड़े ले सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग में आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे इस ट्रिक के साथ अगर आप बड़ी भी साइज़ बनाएंगे तो भी आप इजिली धोती की कटिंग कर सकते हैं। अगर छोटी साइज में बनाना है, इससे 2 साल बच्चे के लिए, पर आप अपने बच्चे की बस लेंथ की लंबाई ले लीजिए। आप उसके लेंथ की लंबाई, दूसरी कमर की लंबाई, दो चीज़ की लंबाई आप ले लीजिए, उसके बाद आप इजिली बना सकते हैं। इस तरह से हम डोरी या इलास्टिक जो भी लगाते हैं, अगर डोरी आप डाल रहे हैं तो 1 इंच ऊपर करिए, अगर आप इलास्टिक डालते हैं तो आपकी इलास्टिक की चौड़ाई ले लीजिए। आप इलास्टिक कौन सी डाल रहे हैं, 1.5 इंच की कि 2 इंच की। अगर आप यहाँ पतले इलास्टिक डालेंगे तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर दिए और आप देख सकते हैं, और हमारा धोती कट के तैयार हुआ। आप देख सकते हैं, इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कटिंग आपको कितनी समझ है, आप फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल पर न्यू विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब।